हिंदुस्तान के हर कोने में बसे हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस पर अनेक अनेक शुभकामनाएं और आप सबको नमस्कार। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हम सबके लिए एक प्रेरणा का अवसर होता है, नए संकल्पों का पल होता है, देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कृतसंकल्प होने का ये पल होता है। लेकिन इस बार का स्थापना दिवस एक ऐसे कालखंड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पूरी मानव जात के सामने एक संकट पैदा हुआ है। चुनौतियों से भरा यह वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने चार चार पीढ़ी, अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है, अनेक वरिष्ठ महानुभाव है जिन्होंने पांच पांच, छह छह, सात सात दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। आज उस आदर्श को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का हम सबका दायित्व बनता है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाफ एक व्यापक जंग शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था, ये कैसे आती है, कहां जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी, एक्सपर्ट की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। राज्य सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गति भी मिली। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है,
होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है। आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है। तमाम देश एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करें, इसके लिए सार्क देशों की विशेष बैठक हो या G20 देशों का विशेष सम्मेलन, भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत लगातार संपर्क में है, मेरी भी बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं, हमारी पूरी शक्ति की प्राथमिकता वही है। लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एकजुटता के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है। हमारे यहां कहा गया है, समानो मंत्र समिति ही समानी, समान मन सह चित्तम एषाम, यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो एक दिन का जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय, या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांभीर्य दिखाया है, यह अभूतपूर्व है। हम भारत के कोटि कोटि जनों का जितना नमन करें उतना कम है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे। साथियों, कल भी हमने देखा, रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है। और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। आपने खुद महसूस किया होगा, गांव देहात से लेकर के बड़े शहरों तक असंख्य दियों ने, प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को, उस हताश निराशा को दूर करने में, एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की है।
130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश ने देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत हमारे तो संस्कार है, हमारे खून में, हमारे रगों में है। हमें तो एक ही मंत्र सिखाया गया है, दल से बड़ा देश है। और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। पूरी मानव जात के लिए भी 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण, मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है। और इसलिए देश के लिए इस कठिन घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथियों, पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर मैं आज आपको कुछ सुझावों पर कार्य करने का आग्रह करना चाहता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने, हमारी राष्ट्रीय टीम ने जो एक खाका तैयार किया है, मैं उसी को सिर्फ से दोहरा रहा हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से, अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं। ये हम सब कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस आग्रह को जरूर पालन करना है। इन सुझावों में अंत्योदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है। मैं आज इस विशेष परिस्थिति में इनमें से कुछ कार्यों पर थोड़ा अधिक बल देने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं, 5 आग्रह। इसमें पहला आग्रह है, गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है, तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। अपने क्षेत्र में और भी जो छोटे मोटे सामाजिक संगठन काम करते हैं, उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको, जरूरतमंद को पहुंचे, जरूरतमंद को रह न जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता ये पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूखा न रहे, उसके पास पर्याप्त भोजन हो। साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने। और मैं ये भी बताता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 साल अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं।
उनका वितरण कर सकते हैं। साथियों, इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहे सभी लोगों का आभार करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना, उनको मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ हमारा ही दायित्व है ऐसा नहीं है, समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि पांच अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन पांचों लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए और ये धन्यवाद पत्र लेकर के हमें सामूहिक रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बूथ में करना चाहिए। पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सेस और डॉक्टर हो, दूसरा सफाई कर्मचारी, तीसरा पुलिसकर्मी, चौथा बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोग, पांचवा आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए सभी सरकारी मुलाजिम। हमें इन सभी का आभार व्यक्त करना है। इसके लिए आप अपने अपने बूथ में, और जब पार्टी के 40वां स्थापना दिन है तो इसको याद रखते हुए हर बूथ में 40 घर इन पांच अलग अलग प्रस्तावों पर सिग्नेचर करें, वो पांच अलग अलग सेट में धन्यवाद पत्र तैयार हो और वो सारे धन्यवाद पत्र उसी पोलिंग बूथ में जो जो संबंधित हो उन तक रूबरू जाकर के दिया जाए। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक और काम मैं आपसे आग्रहपूर्वक करना चाहूंगा। ये लंबी लड़ाई के लिए बहुत अनिवार्य है। हम जितना सफलतापूर्वक इस काम को करेंगे, हम आने वाले दिनों में संक्रमण की स्थिति में काबू पा पाएंगे। और वो है, भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए, मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे वो संकट वाले हैं, अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको ये पता चलेगा। और इसलिए संकट की स्थिति में हमें ये आरोग्य सेतु ऐप हरेक यहाँ इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है। एक और काम है, इतनी बड़ी लड़ाई है, आर्थिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने दे देते, सोना दे देती हैं, गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए बाहर आ जाता है। यह हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है, ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरा पांचवा आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है।
साथियों, हम तो चरैवेति चरैवेति के मंत्र के लेकर के चले हुए लोग हैं। हमने उस पर जी करके देखा है। आज पाबंदी के कारण चरैवेति चरैवेति को हमने सीमित करना पड़ेगा। अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे आस पास दुखियारों के बीच जाना, उनके आंसू पहुंचना, उनको मदद करना। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकले तो फेस कवर तो होना ही चाहिए, मैं तो कहता हूं घर में भी होना चाहिए। और साथ साथ एक मंत्र आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं की सुरक्षा करते हुए अपने साथी देशवासियों की भी सुरक्षित बनाएगा, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेगा, और ये राष्ट्र भी हमारा परिवार है, उनको भी सुरक्षित करेगा। इसी एक भाव को लेकर के हमें चलना है, देश को विजयी बनाना है, और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हमें यहां तक पहुंचाने वाले लक्षावधि कार्यकर्ताओं को, लक्षावधि परिवारों को, उनकी त्याग तपस्या को आदरपूर्वक नमन करते हुए आइए, आपको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।